कोविड संकट काल में दाह संस्कार कर मानव धर्म निभाती एसडीआरएफ। वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के बेतहाशा क्रूर अट्टहास के मध्य एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस मानव धर्म निभाने को मैदान में है। एसडीआरएफ के द्वारा कोविड संक्रमित से मृत शवों के दाह संस्कार के लिए टीमें गठित कर ली हैं। श्रीमती रिधिम अग्रवाल उप महानिरीक्षक एसडीआरएफ के दिशा निर्देशन और श्री नवनीत भुल्लर सेना नायक एसडीआरएफ के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीमों ने कोविड संक्रमित शवों को दाह संस्कार आरंभ कर दिया है। दाह संस्कार में पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संपूर्ण टीम मेंबर पूर्ण सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, ग्लव्स, दस्ताने, पीपीई किट को धारण करने के पश्चात ही चिन्हित शमशान घाटों में शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। कुमाऊं परिक्षेत्र में इंस्पेक्टर गजेंद्र परवाल जबकि गढ़वाल परिक्षेत्र में इंस्पेक्टर जगदम्बा विजलवाड़ के नेतृत्व में जनपदवार टीमें बनी हैं। कोविड संक्रमण परिदृश्य में अनेक बार परिजनों द्वारा दाह संस्कार किए में डर अथवा संशय के कारण शव के करीब आने से मना कर दिया जा रहा है, जिस कारण एसटीआरएफ दाह संस्कार की जिम्मेदारी को निभा रही है। उत्तराखंड की देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ बल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जवानों ने वैश्विक संकट के दौर में महामारी से लड़ने के लिए उच्च मनोबल के साथ एकजुट होकर जंग में कूदे हैं। जहां एसडीआरएफ की टीमें होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों को मेडिकल उपलब्ध करा रही हैं, वहीं एसडीआरएफ के जवान सजग सतर्क होकर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड ड्यूटी निभा रहे हैं। एसडीआरएफ के होम टू होम मेडिकल किट अभियान के तहत अभी तक सैकड़ों जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाया गया है। मेडिकल किट में पैरासिटामोल, लिवो सिटर्जिन, अजीथ्रोमेसिन, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, डॉक्सी टैबलेट एवं उपयोग निर्देशिका रखी गई है, जिससे कोविड संक्रमित को उपयोग में सुविधा हो। होम टू होम किट वितरण, आइसोलेशन ड्यूटी, दाह संस्कार, कर्तव्य निर्वहन के साथ ही एसडीआरएफ बल सैनिटाइजेशन और जागरूकता अभियान को पूर्व की भांति संभालते हुए विगत वर्ष भी एसडीआरएफ के द्वारा प्रवासी अभियान के दौरान भोजन वितरण से लेकर प्रवासियों को सुरक्षित उत्तराखंड लाने में अभूतपूर्व कार्य किए गए थे, जिस हेतु बल को प्रतिष्ठित पुरस्कार स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड आने वाले नागरिकों को एवं अन्य जरूरतमंद को जानकारी मुहैया कराने के लिए एसटीआरएफ उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पंजीकरण कैसे करें, होम आइसोलेशन में कैसे रहें, संक्रमित होने पर क्या करें जैसे अनेक बिंदुओं की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से भेज रही है। इसके अतिरिक्त कोविड संक्रमण प्रसार को रोकने के क्रम में एसटीआरएफ द्वारा कंट्रोल रूम में अनेक टेबल टीमों का गठन भी किया है, जो सभी संक्रमितों और पंजीकृत नागरिकों से संपर्क करके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची भी बनाते हैं। साथ ही होम आइसोलेशन हुए लोगों से भी किसी प्रकार की सहायता हेतु भी संपर्क किया जा रहा है। वर्तमान में एसटीआरएफ की संपूर्ण टीमें किसी न किसी रूप में कोविड प्रसार को रोकने में प्रयासरत हैं।